So we were discussing about customer 24. Now moving on to customer 25. Which of the following statement of choice of pheochromocytoma? Pheochromocytoma की हमारे पर treatment of choice क्या है? First of all, pheochromocytoma का आपको जो है वो याद होना चाहिए कि pheochromocytoma is an episodic tachycardia, hypertension, palpitations, sweating due to release of catecholamines. जो हमारे पास फियोक्रोमासोटोमा वो कैसे प्रेजेंट करता है? प्रेजेंट करता है हमारे पास एपिसोडिक टैकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशंस, स्वेटिंग due to release of catecholamine. So if a patient presents with palpitations, tachycardia, patient presents with sweating, patient को क्या है sweating हो रही है और patient को sweating है, tachycardia, palpitations है, तो always go for फियोक्रोमास एपिसोड. सारा हो रहा है एपिसोडिक. एपिसोड मतलब ये है कि एपिसोड आ रहे हो जा रहे. अगर ये एपिसोडिक हो रहा है तो पेशेंट को क्या है फियोक्रोमोसाइटोमा. फियोक्रोमोसाइटोमा तो फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में आपका जो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट है वो है हमारे पास पैराथायरॉइड एडिनोलेक्टमी. फियोक्रोमोसाइटोमा केस में आपका जो मेन थी है वो करते हैं एडिनोलेक्टमी, क्योंकि फियोक्रोमोसाइटो जो है फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो मोस्ट कॉमन इराइज करता है एड्रिनल मेडुला से. एड्रिनल मेडुला से जो है फियोक्रोमोसाइटोमा राइज करता है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं एड्रिनल लैक्टमी. हम करते हैं एड्रिनल लैक्टमी. सो आंसर विल बी बीटा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रेव्स डिजीज. मैंने बताया था कि ग्रेव डिजीज में थायराइड ग्लैंड लार्ज होता है, डिफ्यूज गट उसमें होता है, उसमें थायरोपैथी भी होती है, तो उसमें थायरोपैथी भी होती है, तो उसमें बीटा ऑप्शन भी किया है. उसमें प्रीटी एक्जिमा भी होता है, ये मैंने बताया. तो पहले तीन ऑप्शन के हाँ, पीटिंग एडिमा उसमें नहीं होता, इसमें होता है नॉन पीटिंग एडिमा. ग्रेव्स में होता है नॉन पीटिंग एडिमा, जिसको हम प्री टिबियल मैक्सिमा भी कहते हैं. ग्रेव डिजीज में पीटिंग एडिमा जो है वो नहीं होता. सो आंसर विल बी डेल्टा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27. इन रिस्पॉन्स टू लो बीपी व्हिच हार्मोन एक्ट्स टू इंक्रीज बीपी. इंक्रीज बीपी एक्ट करने कौन सा होता है, इसमें डिस्क्राइब करने में आपको बताऊंगा कि एक हमारे पास जो है जब हमारा बीपी जो है वो कम होता है, सिग्नल जाता है किस पर, किस किधर जाता है हमारा सिग्नल. हमारा सिग्नल जाता है कैरोटिड कैरोटिड आर रिसेप्टर के ऊपर, कैरोटिड पैरो रिसेप्टर्स पर मारा जाता है. किस पर? पैरो रिसेप्टर्स पर जो हमारा है वो हमारा पैगाम जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो क्या है वो है कम. पैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? पैरो रिसेप्टर्स जो है वो एपी नॉन एपी और एपिनेफ्रिन को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं. जब वो नॉन एपी एपिनेफ्रिन को बढ़ाते हैं तो हमारा जो है वो बीपी जो है वो इंक्रीज होता है. जब हमारा बीपी कम होता है वो जाकर सिग्नल देते हैं कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स को. कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन से क्रिएट करवाते हैं, और उससे हमारा बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. सो इन दिस मोड लो बीपी व्हिच हैपन एक्स टू इंक्रीज बीपी दैट विल बी अल्फा नॉन एपिनेफ्रिन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. A woman after 1 year of delivery is diagnosed with hypothyroidism. How will you treat this patient? Patient को हमारे पास after 1 year of delivery, patient is diagnosed with hypothyroidism. आप patient को जो है वो कैसे जो है वो ठीक करेंगे? तो patient को अगर hypothyroidism हो, इसका मतलब क्या है कि patient जो है हमारे पास unable to make थायराइड हार्मोन्स, थायराइड पेशेंट जो है वो नहीं बना. तो पेशेंट को हम एक्सोजिनस थायराइड हार्मोन देंगे. कौन देंगे? एक्सोजिनस थायराइड हार्मोन देंगे. तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन जो था एक्सोजिनस थायराइड हार्मोन हमारे पास गायब बनता है? डेल्टा लिवोथायरोक्सिन. पेशेंट को हाइपोथायरिज्म है तो पेशेंट को हम देंगे एक्सोजिनस थायराइड हार्मोन. क्या हमारे पास? लिवोथायरोक्सिन. आंसर विल बी डेल्टा. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29. सबसे पहले आप पेशेंट को ये देखें, इफ द पेशेंट
if the patient presents with irritability, patient बहुत चिड़चिड़ा है, इरेटेबिलिटी का मतलब होता है पेशेंट क्या है, बहुत चिड़चिड़ा है। इसके बाद पेशेंट को हो रही है टिंगलिंग ऑफ टिंगलिंग सेंसेशंस इन हैंड, टिंगलिंग सेंसेशंस इन हैंड, टिंगलिंग सेंसेशन पेशेंट को फील हो रही है। उसके बाद पेशेंट को हो रहा है कार्पोपीडल स्पैज्म। कार्पोपीडल स्पैज्म ये होता है कि जहाँ पेशेंट को यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पेशेंट के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कार्पोपीडल स्पैज्म पेशेंट को हो, कार्पोपीडल स्पैज्म वो क्या होता है कि जहाँ पेशेंट को यहाँ पर जो है इसकी डिस्क पर अगर आप उसको टैप करें, डिस्क पर अगर आप टैप करें तो पेशेंट को जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें, कि उसको हम कहते हैं कार्पोपीडल स्पैज्म। और पेशेंट के रिफ्लेक्सेस क्या हो जाए, ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस हो जाए, ब्रिस्क के रिफ्लेक्सेस हो जाए, पेशेंट के रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क हो जाए। आपने क्या सोचना, आपने सोचना का पेशेंट क्या हो गया जी, हाइपो कैल्सीमिया। पेशेंट क्या हो गया, हाइपो कैल्सीमिक पेशेंट हो गया। वो कैसे, अगर पेशेंट आपके पास इरिटेबिलिटी के साथ आए, टिंगलिंग सेंसेशन के साथ आए, ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस के साथ आए, कार्पोपीडल स्पैज्म के साथ आए, और पेशेंट जो आपके पास आए वो आए आपके पास जो है टॉसियसाइसिस के साथ है, इसके साथ आए और सीजर्स के साथ आए, और एक पेशेंट हमारे पास आए उसके साथ टॉसियस शाइन के साथ। सो ऑब्वियस सस्पेक्ट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया को चेक करने के कैल्शियम लेवल तो आएंगे, कैल्शियम हमारे पास जो है वो 8 से कम होगा जैसे इस केस में है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को क्या है, इस केस में क्या है, हाइपोकैल्सीमिया। और पूछ रहे हैं कि पेशेंट के हाइपोकैल्सीमिया के कॉज कौन कौन से हैं, तो पेशेंट के हाइपोकैल्सीमिया के कॉजेस में से जो हमारे पास आता है वो कैसे पता लगेगा पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया क्या है, वो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो हमारे पास है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज इन कैल्शियम, सो आंसर विल बी बीटा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। अ 14 ईयर ओल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक डेवलप्ड एक्यूट ब्रोंकाइटिस, स्टॉप हिज इंसुलिन, ही लॉस कॉन्शियसनेस आफ्टर अ फ्यू बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, ही हैज डेवलप्ड सी। अब पेशेंट जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलिटस के साथ है, पेशेंट को क्या है डीएम टाइप 1। अगर डीएम टाइप 1 के अंदर पेशेंट को कोई स्ट्रेस आए, पेशेंट कोई अल्कोहल पिए, पेशेंट को स्ट्रेस आए, पेशेंट अल्कोहल पिए, पेशेंट जैसा हमारे पास है, पेशेंट को कोई इंजरी हो, पेशेंट को कोई इंफ्लामेशन हो, पेशेंट को कोई मेंटल ट्रॉमा हो, अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो, पेशेंट को कोई सर्जरी हो, इफ अ पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज डेवलप ड्रिंक हैविंग हैवी स्ट्रेस, उसको अल्कोहल हो जाए, वो उसको कोई इंजरी हो, उसको कोई इन्फेक्शन हो, उसको कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसको कोई सेंट्रल ट्रामा हो, उसको कोई सर्जरी हो, और पेशेंट को बाद में जो है एएमएस में जाए, एएमएस में जाए और पेशेंट को वॉमिटिंग स्टार्ट हो, एब्डोमिनल पेन हो, तो आम एक्सपेक्ट करना है पेशेंट को क्या हो गया जी, पेशेंट को हो गया हमारे पास डीके, पेशेंट को हमारे पास हो क्या हो गया है डीके। सो आंसर विल बी बीटा। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको मुझे डिस्कस हम नहीं करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। अब डीके के ट्रीटमेंट पहले जानने से पहले मैं बता दूं कि डीके के ट्रीटमेंट में जो है ना सबसे पहले हमें देनी होती है हमारे पास फ्लूड देना होता है। फ्लूड देने के बाद आप कैसे देते हैं, पहले 0.9% सलाइन देते हैं, उसके बाद 0.545% में कर देते हैं, उसके बाद पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट रिपीशन करते हैं, और आप पेशेंट को क्या करते हैं इंसुलिन देते हैं, और पेशेंट को आप बाइकार्बोनेट भी देते हैं, और पेशेंट की जो अंडरलाइन कॉज उसको आप ठीक करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ ट्रीटमेंट को, आप पेशेंट को आईवी फ्लूड्स देंगे, उसके बाद पेशेंट को आईवी फ्लूड्स के अंदर आप 0.5 नॉर्मल सलाइन दिए, 9.9% दे, पहले इनिशियली 0.9% नॉर्मल सलाइन देते हैं, उसके बाद 0.45% भी आप जाते हैं, उसके बाद पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट ठीक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ठीक करने के बाद पेशेंट को आप देते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के बाद पेशेंट को देते हैं आईवी बाइकार्बोनेट, और आईवी बाइकार्बोनेट के बाद आपके जो अंडरलाइन डिजीज थी उसको ठीक करते हैं, जैसे पेशेंट को कोई इन्फ्लेमेशन थी या कोई इन्फेक्शन थी तो आप पेशेंट की उस चीज को ठीक करेंगे तो डीके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। अब ना पेशेंट थायराइड रेडियो विद इंक्रीज रेडियो आइसोप्रोपिल अपटेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बिफोर सर्जरी विल बी। अब पेशेंट को देखिए, अब पेशेंट को आपने जो थायराइड नोड्यूल था, नोड्यूल जो पेशेंट का आपने पहले कराने हैं उसके टीएफटीज, टीएफटीज कराने के बाद आपने उसे करानी है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड पे कुछ सस्पिशन आए आपने करानी है फिर थायराइड बोन स्कैन, थायराइड स्कैन कराना, थायराइड स्कैन कराने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने करानी होती है एफएनएसी एल्गोरिथम, इसको याद रखना है आप सबसे पहले नोड्यूल आ गए उसमें पहले टीएफटीज कराएंगे, टीएफटीज के बाद अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासाउंड के बाद थायराइड स्कैन कराएंगे, थायराइड स्कैन के बाद आपको जरूरत पेश आए आप एफएनएसी कराएंगे। सो इस क्वेश्चन में पेशेंट के आपने ग्रीन रेडियोएक्टिव आइसोटोप है थायराइड नोड्यूल के ऊपर, सो जो ये चॉइस ऑफ बिफोर सर्जरी विल बी, आप पेशेंट के पहले क्या कराएंगे एफएनएसी, सो आंसर विल बी एफएनएसी।
नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 33, क्वेश्चन 33 गलत है, इसको आप काट दें। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34, अ पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हैज बीन डिस्चार्ज सल्फोनिलयूरिया टू कीप हिज ब्लड प्रेशर इन चेक, बट कैन बी पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। अब ये याद रखें कि जितने भी ऐसे ड्रग्स जो कि इंसुलिन को इंक्रीज करें, इंसुलिन को इंक्रीज करें, या कोई आप एक्सोजिनस इंसुलिन लगाएं, या कोई एक्सोजिनस इंसुलिन लगाएं, ऐसे ड्रग्स जो कि इंसुलिन को इंक्रीज करें या कोई एक्सोजिनस इंसुलिन की लगाएं, उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आता है हमारे पास आता है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या आता है? हाइपोग्लाइसीमिया। कोई भी ऐसी ड्रग जो कि इंसुलिन को इंक्रीज करे या आप एक्सोजिनस इंसुलिन, उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आता है वो क्या आता है हमारे पास? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो हमारे पास कौन से ड्रग हो सकती है जो इंसुलिन पर आती है? वहां पर एक ही ड्रग को कहते हैं सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया, आप पेशेंट को सल्फोनाइल यूरिया दें और उसके बाद उसको जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा उस पेशेंट, क्या होगा जी हमारे पास? हाइपोग्लाइसीमिया। सो आंसर विल बी डेल्टा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35, मिडिल थायराइड कार्सिनोमा व्हिच दिस थिंग इज एलिवेटेड। मिडिल थायराइड कार्सिनोमा बेसिकली होता क्या है? अगर मैं थायराइड ग्लैंड बनाऊं तो यहाँ पर एक थायराइड फॉलिकल्स पड़े होते हैं, हमारे पास थायराइड फॉलिकल्स हैं, ये मैं थायराइड फॉलिकल्स बना रहा हूँ, ये मैंने क्या बनाए? थायराइड फॉलिकल, ये मैंने थायराइड फॉलिकल्स बनाए। इन थायराइड फॉलिकल्स के दरमियान कुछ सेल्स होते हैं, उनकी प्रोलिफेरेशन से, पेशेंट को क्या होता है? डिजीज होती है, उसे हम कैंसर होता है, उसे हम कहते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। मैं रिपीट करता हूँ, पीएफ पेशेंट का मैंने बनाया थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड पेशेंट मैंने फॉलिकल्स बनाए हैं, इन फॉलिकल्स के बाद इन कुछ सेल्स होते हैं, उनके प्रोलिफेरेशन जो कैंसर होता है उसे हम कहते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ये एक चीज सेक्रेट करते हैं, उसे हम कहते हैं कैल्सिटोन, उससे हम कहते हैं कैल्सिटोनिन, वो एक चीज सेक्रेट करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? कैल्सिटोनिन। सो अब पाइरुविक थायराइड कार्सिनोमा में जो सेल्स इन्वॉल्व है ये करते हैं वो कैल्सिटोनिन में सेक्रेट करते हैं, तो बॉडी में कैल्सिटोनिन की जो है वो रेशो लेवल बढ़ जाएगा, उसका आंसर आपका क्या आंसर होगा? अल्फा कैल्सिटोनिन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36, अ यंग पेशेंट डेवलप्स एंजाइटी एंड ट्रेमर्स। ठीक है, हाउ विल यू रूल आउट द कॉज? अब एंजाइटी और ट्रेमर पेशेंट को हो गया है तो आपने हमेशा सस्पेंड करना, पेशेंट को जो है हमारे पास हाइपर थायराइड भी हो सकता है। हाइपर थायराइड को रूल करने के लिए हम जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वो कराते हैं टीएफपी, टीएफपी पे हम हाइपर थायराइड को क्या कर सकते हैं? वो हम रूल आउट कर सकते हैं। तो आंसर विल बी अल्फा टीएफपी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37, विच द फॉलोइंग कॉजेस नॉन पीटिंग ओडिमा। नॉन पीटिंग ओडिमा जो कौन सी कॉजेस कर सकती है? अभी मैं आपको बताया कि आया हूं तो हाइपोथायराइड जो है वो जनरलाइज नॉन पीटिंग ओडिमा करवाती है, जनरलाइज नॉन पीटिंग ओडिमा करवाती है, क्या हमारे पास? हाइपोथायराइडिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन 30 गलत है, इसको रिमूव कर काट दें। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 39, अ पेशेंट इज हैविंग एनोरेक्सिया लेथार्जी कंफ्यूजन एंड इज सीरम सोडियम इन 112, व्हाट विल बी प्रोबेबल कॉज? मैंने अभी आपको बताया था कि यूवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया पेशेंट को, लेथार्जी है, कंफ्यूजन एनोरेक्सिया है, तो कॉज क्या हो गया? एसआईईडी है। ये भी मैं आपको बता के वैसे ही रुचि क्या है, एसआईईडी जो होता है कि यूवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया के मोस्ट कॉमन कॉज है, कैसे होता है? एडीएच की इंक्रीजिंग ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, इंक्रीज एंटीडायबिटिक हार्मोन सेक्रेशन, एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्लिनिकल फीचर पेशेंट को हाइपोनाट्रीमिया होता है, इंक्रीज इन वाटर टेंशन, एंड्रोजिनस सोमनेस एंड एसओ कैन बी सीन। डायग्नोसिस के लिए हम पेशेंट की जो है सीरम हाइपोनाट्रीमिया देखते हैं और सीरम ऑस्मोलैलिटी देखते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम सीरम सोडियम देखते हैं और सीरम ऑस्मोलैलिटी भी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूरिन साल्ट रिस्ट्रिक्शन देखते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर जो है आपने करनी होती है वाटर रिस्ट्रिक्शन करनी होती है, इसके अंदर आपने ट्रीटमेंट में आपने वाटर रिस्ट्रिक्शन करनी होती है, सॉल्ट टैबलेट्स देनी होती है और हाइपोटोनिक सलाइन लगाना होता है। ये तीन चीजें आपने ट्रीटमेंट करनी होती है, पर आपने वाटर रिस्ट्रिक्शन करनी होती है, हाइपोटोनिक सलाइन लगाना होता है, दूसरा आपने सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करनी होती है। इन सबका ये आपका सबका जो है वो ऐसा एडीएच का क्या है? ट्रीटमेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल। जो हमारे पास पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस करता है एफएसएच और एलएच। FSH का ग्रोथ मतलब ये होता है कि ओवरीज में जाता है, ओवरीज में जाकर जो फॉलिकल्स है ना उनकी ग्रोथ को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है।
एफएसएच जाता है ओवरीज में, ओवरीज में जाके ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसकी, ओवरीज की जो ग्रोथ, ओवरीज में जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करता है, एक्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो आंसर विल बी एलएफएसएच। एल जो है वो क्या कहता है, एल ओवुलेशन कराता है, ओवुलेशन कराता है। एफएसएच जो है हमारे पास जो हमारे फॉलिकल्स को मैच्योर कराता है, जो एल एच ओवुलेशन कराता है, इसका हमारे पास आंसर क्या हमारे पास बना है, एफएसएच। तो आंसर विल बी अल्फा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41। अ 40-year-old male comes to OPD with polyuria, polydipsia, polyphagia for a lying for long time ago. With unexpected weight loss, which test can detect 3 months average blood sugar level? HbA1c. HbA1c है वो 3 months की तक की sugar level check कर सकते हैं। क्यों? HbA1c basically ये है कि अगर हमारे पास RBC है, RBC इसको जो hemoglobin है, उसको glycosylate हो चुकी है। RBC की human जो है वो glycosylate हो चुकी है। जब वो glycosylate हो चुकी है, तो अब जब RBC जो है, उसकी death होती है 120 days के बाद। 120 days का मतलब होता है 3 months. So 3 month की चेक करने के लिए जो है वो आरबीसी 3 month जिंदा रहते हैं, और 3 month के हम शुगर देखने के लिए हम क्या कराते हैं, एच बी ए वन सी। सो आंसर विल बी चार्ली। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज अ मोर कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म? हाइपरथायरॉयडिज्म की मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी है? ग्रेव्स डिजीज। आंसर विल बी अल्फा। ग्रेव डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43। A 33-year-old female presented with thyroid swelling from a few past years. Examination having part people and dual which are non-tender. A thyroid scan show decrease in iron uptake. What will be your diagnosis? अगर patient को thyroid में कोई nodule हो, thyroid में कोई nodule हो, और आप उसकी जो है thyroid scan करें, thyroid scan करें, और radioactive isotope क्या हो, कम हो, radioactive isotope जो है वो आपके कम हो, डिक्रीज हो, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कोल्ड नड्यूल। कोल्ड नड्यूल आपके पास एक थायराइड नड्यूल हो, आप थायराइड स्कैन करें, थायराइड स्कैन पे जो है वो हमारे पास जो है वो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो उनकी जो अपटेक है वो डिक्रीज है, इसको हम कहते हैं कोल्ड नड्यूल। कोल्ड नड्यूल का मतलब है कि विदाउट एनी सिम्टम, विदाउट एनी सिम्टम। कोल्ड नड्यूल का मतलब है विदाउट एनी सिम्टम। तो आंसर विल बी चार्ली, कोल्ड नड्यूल। वो कैसे कि इस पेशेंट में कोई भी जो है हमारे पास कोई हमारे पास कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है जिससे डिसाइड कर सके पेशेंट को क्या है हमारे पास, हाइपोथायरॉयडिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। अ 30-year-old अमेरिकन फीमेल कम्स टू द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट विद द कंप्लेंट ऑफ डिफ्यूज स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, पाल्पिटेशन एंड डायरिया। Examination of eye days production of eyeball laboratory pressure should decrease TSH raise T3 T4 and raise TSH receptor antibody traps. अब आप ये देखें patient को जो है हमारे पास diffuse swelling of thyroid gland है, उसके पास palpitations है और diarrhea है, उसके बाद ये eye के protrusion है, TSH decrease है, raise T3 और raise T4 है, इसका मतलब क्या patient को हमारे पास है वो hyperthyroidism है, hyperthyroidism के बाद patient को protuberance of eyelid, इसका मतलब patient को क्या है जी Graves डिजीज। पेशेंट को क्या है हमारे पास, ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज को कंफर्म करने के लिए हम जो टेस्ट कराते हैं वो कहते हैं एंटी ट्रैप टेस्ट, उसे कहते हैं थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज। सो सो इसका आंसर हमारे पास होगा जी ग्रेव डिजीज। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44। करूंगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 गलत है, इसको आप काट दें। Moving on to question number 47. A 26-year-old male with a solid thyroid nodule 1 cm in size presented to OPD. Which of the following should be done? मैंने आपको पहले कहा thyroid nodule की initial investigation क्या है? Thyroid function test. So answer will be beta. Moving on to question number 48. Moving on to question number 47. 40 जो question number कोई नहीं है.
रैपिड हार्ट रेट, वेट लॉस, ही सेंसिटिविटी आर मोस्ट लाइक सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, इसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। विच द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑन साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी पे कौन से हार्मोन्स जो है वो एक्ट करते हैं? आप याद रख लें कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो साइक्लिक जीएमपी के साथ एक्ट करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे पास साइक्लिक जीएमपी के थ्रू एक्ट करती है। इंसुलिन और ग्लूकागन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन एक्ट करते हैं थायरोसिन का रिसेप्टर के थ्रू, और ग्लूकागन एक्ट करता है साइक्लिक एएमपी के थ्रू, और नाइट्रोक्साइड कर सकती है साइक्लिक जीएमपी के थ्रू। तो आंसर विल बी डेल्टा। बाकी कौन कौन से कैसे कैसे याद रखते हैं, ये हमारे पास टेबल बना हुआ है, इसको याद लगा लें कि साइकिल एएमपी के थ्रू कौन कौन से एक्ट करते हैं। एफएसएच एक्ट कर सकता है, एलएच एक्ट करता है, एसीडी एक्ट करता है, टीएसएच एक्ट करता है, सीएलएच एक्ट कर सकता है, ये सारे जो है वो एक्ट कर सकते हैं साइक्लिक एएमपी के थ्रू। साइक्लिक जीएमपी के थ्रू हमारे डीएनपी, एएनपी और ईडीआरएफ जो एक्ट कर सकता है कौन सा, नाइट्रो ऑक्साइड के थ्रू। सो IP3 सारे ये जो है इसको दफा पढ़ लें, जो याद रह गया सो रह गया, लेकिन आप जो याद रखने हैं हमारे पास याद रखने, साइक्लिक एएमपी वाला भी याद रखना है, साइक्लिक जीएमपी वाला याद रखना, ये नहीं बोलने पेश, बाकी अगर सारे भूल जाएं लेकिन आपको ये वाले दो जो है ना वो कहीं नहीं भूलने चाहिए, इसको हम रट्टा लगाना जैसे मर्जी लगा, याद करना आपने, ठीक है, या हमें दोनों चीजें हमें जो है वो याद करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन कॉज ग्लाइकोमास्टिया, ग्लाइकोमास्टिया कौन सी ड्रग कॉज कर सकती है? क्वेश्चन के जो भी ड्रग एस्ट्रोजन टू एंड्रोजन रेशियो को डिस्टर्ब करे, एस्ट्रोजन टू एंड्रोजन रेशियो को डिस्टर्ब करे, वो क्या कर सकती है? गायनेकोमेस्टिया। अब जो स्पायरोलैक्टोन है वो एंड्रोजन रिसेप्टर क्या है, एंटागोनिस्ट है, एंड्रोजन एंटागोनिस्ट है। जो स्पायरोलैक्टोन है वो एंड्रोजन क्या है हमारे पास जो है वो एंटागोनिस्ट है। जब एंड्रोजन कम होगी एस्ट्रोजन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, एंड्रोजन कम एस्ट्रोजन ज्यादा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। क्यों? एंड्रोजन जो है उसके रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करती है हमारे पास स्पाइनल इलेक्ट्रॉन, सो स्पाइनल इलेक्ट्रॉन कैन कॉज गायनेकोमेस्टिया। आंसर विल बी अल्फा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे क्लास, व्हिच इज द फॉलोइंग एंडोक्राइन कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के एंडोक्राइन कॉजेस में से कौन सी कॉजेस हैं? हाइपरटेंशन की जो एंडोक्राइन कॉजेस हैं, हाइपरटेंशन की जो एंडोक्राइन कॉजेस हैं वो हमें कौन सी याद रखें? नंबर वन कुशिंग डिजीज, नंबर वन कुशिंग सिंड्रोम, नंबर वन कुशिंग, नंबर टू फियोक्रोमासाइटोमा, नंबर टू फियोक्रोमोसाइटोमा, नंबर थ्री एक्रोमेगली, नंबर थ्री क्या है हमारे पास? एक्रोमेगली। नंबर फोर क्या है हमारे पास? हाइपरथायरॉयड एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों किस्म का थायराइड जो है वो हाइपरटेंशन करते हैं। नंबर फाइव एंड लास्ट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। कौन कौन सी एंडोक्राइन कॉजेज हैं जो कि हमारे हाइपरटेंशन करती है? हमारे पास करती है कुशिंग डिजीज सिंड्रोम, एक करती है फियोक्रोमासाइटोमा, फिर करती है एक्रोमेगली, फिर करती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर एंड हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, फिर हमारे पास आती है हाइपो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सो एंडोक्राइन कॉजेस में ऐसी कौन सी डिजीज है हाइपरटेंशन करती है, हमारे पास क्या बनता है? फियोक्रोमोसाइटोमा। आंसर विल बी अल्फा। इसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, एपिसोडिक हाइडेक, एपार्पिटेशन और डायफरेसिस, इनिशियल टेस्टिंग जिसको हम करते हैं, प्लाज्मा प्लाज्मा फ्री पैटर्न एफ्रिन लेवल्स एंड यूरिन लेवल, यूरिन लेवल करते हैं, यूरिन लेवल करते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसा अगर लिखा हो 24 आवर यूरिन टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमारे पास में आती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पेशेंट का हार्ट पेन बढ़ती है, परस्पिरेशन होती है, पार्पिटेशन होती है, पैलर होता है। इसके ट्रीटमेंट मैंने पहले बताया कि सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं, उसको देने से पहले जो है ना अल्फा एडिनिन ब्लॉकर देते हैं, कौन से देते हैं? फ्लोक्सैबेंजामिन देते हैं। अब फियोक्रोमासाइटोमा में सर्जरी शुरू करने से पहले जो अल्फा ब्लॉकर देते हैं उसे हम कहते हैं फ्लोक्सैबेंजामिन, क्या कहते हैं उसे? फ्लोक्सैबेंजामिन। सो दिस इज वाज आवर फॉर टुडे। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51।